जो चीज़ें वो बेटर नहीं कर सकते। देखिए, एक वक्त ये था कि जब संगठन हमारा था तो बहुत ही कहीं जगह पर उपयोग था, तो उसमें यह था कि हमारे व्यापारी को छोड़े ना पड़ते, कोई भी सरकारी कर्मचारी आकर के हमारा व्यापारी को ना तो उनकी उतनी जानकारी थी व्यापारियों तक पहुँच पाती थी और ना ही हमारा संगठन उतना मजबूत था, तो हमारे व्यापारियों का बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़न होता था, ना ही सरकार के सामने अपनी व्यवसाय के तौर से जुड़े हुए। लेकिन जैसे जैसे हमारा संगठन मजबूत होता रहा, उसका फ़ायदा निस्संदेह हमारे व्यापारी को मिला और व्यापारी के साथ साथ मैं तो कहूँगा आम जनता को भी उसका फ़ायदा मिला, क्योंकि जब GST की लड़ाई हम अगर लड़ते हैं, हम कहते हैं कि किसी वस्तु पे अगर GST आपने 18% करी है, आप उसे 5% कीजिए, तो ये नहीं है कि उसका फ़ायदा हमारे व्यापारी को मिलता, उसका फ़ायदा हमारे उपभोक्ता को मिलता है, उसको कम टैक्स देना पड़ता है। तो संगठन से की वजह से जैसे जैसे हमारा संगठन मजबूत होता रहा, और हमारा संगठन ऐसा ही कि खाली व्यापारिक हितों में ही लगा हुआ रहा, आप सामाजिक हितों में भी आप ये देख लें कि चाहे वर्णावत वाला हो, चाहे 108 दिन में सड़क संरक्षण के लिए हो रहा हो, तो हमारे संगठन का हमेशा बड़ा योगदान है। कोविड के टाइम पे भी हमारे व्यापारियों ने जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ा तो हमारे व्यापारी को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे व्यापारियों ने तन मन धन से आम जनता को सहयोग किया। पहले एक परिभाषा थी इंस्पेक्टर राज था, लोग परेशान थे, अब स्थितियाँ बदल गई हैं, आपकी यूनिटें हर जगह है, ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि है प्रदेश स्तर में जो कि लगता है व्यापार मंडल की वजह से? नहीं, देखिए, अगर सबसे बड़ी उपलब्धि की मैं बात करूँगा तो देखिए, ये मैंने तो बताया कि जो हमारी यूनिट नीचे तक हुई है, हमारे व्यापारी को, व्यापारी भी तो एक आम जनमानस में आता है, हमारे व्यापारियों का उत्पीड़न तो समाप्त हुआ ही हुआ है, लेकिन आप ये देखें जो अतिक्रमण का मुद्दा जिस तरह हाईकोर्ट का आदेश था, सरकार द्वारा सीधे तोड़फोड़ की कार्रवाई कर दी थी, किसी भी पार्टी या किसी भी संगठन द्वारा विरोध नहीं करता, लेकिन जब हमारे संगठन ने पूरे जिले मुख्यालय में पूरे उत्तराखंड में इसका विरोध करा, बहुत ज़्यादा जुलूस प्रदर्शन हुआ, तो सरकार को कम से कम वार्ता की टेबल पे आना पड़ा, और उसी वार्ता के बाद आप ये देखें तो हमारा 40-50 साल पुराना जो हमारा लोगों का था, जो कि अतिक्रमण उनकी मंशा नहीं थी, लेकिन उनको गलत कागजों के चक्कर में फंसा करके वो अतिक्रमण ले लिया गया, जैसे कि आपके यहाँ का वर्णा कॉम्प्लेक्स दे दिए नगर पालिका ने बना करके लाखों रुपए वसूली करने के बाद हमारे व्यापारों को दिया, वो अतिक्रमण था, आपका जिला परिषद की दुकानें अतिक्रमण थी, तो कम से कम ये है कि आप इस विषय नहीं जो हमारी यूनिट एक छोटे से छोटे आपका हमारी यूनिट हर छोटे जगह राज्य स्तर में पहली बार इतने व्यापक स्तर में देखने को मिल रहा, राज्य स्तर पर पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा, क्या इसका फायदा होगा ये सब? नहीं देखिए, ऐसा जैसे हमारा संगठन मजबूत होता था, ये पहली बार, इससे पहले भी कई बार हम लोगों ने सम्मेलन किया, लेकिन हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमने इस स्तर में जो प्रोग्राम रखा हुआ है पहले भी रखा गया था, लेकिन इस स्तर संगठन मजबूत होने के साथ स्तर बढ़ता जा रहा है, हमारा व्यापारी हमारी जनहित में भी अपनी लड़ाई के लिए अपने संगठन का उपयोग कर सकते।